हे गाइस, वेलकम टू द गैदर्ड शो। सो आज हम लोग बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि रोम फ्लैश करते वक्त या किसी भी और सॉफ्टवेयर को फ्लैश करते वक्त कुछ एरर के लिए रोम जो है वो फास्ट बूट में स्टक हो जाता है। एंड कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसे भी होते हैं कि लाइक आपने एडवांस वाइप में जाके गलती से रोम डिटेल्स को सब कुछ आपने एकदम से वाइप कर दिया, आपके इंटरनल स्टोरेज को भी आपने वाइप कर दिया, आपने प्रीवियसली कोई बैकअप भी नहीं लिया था। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप फास्ट बूट मोड में स्टक हो जाते हो तो एकदम से ही एक ईजी मेथड है कि आप फिर से ऑफिशियल MIUI रोम को फ्लैश कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है? तो बेसिकली आपको जो है फास्ट बूट रोम का जो MIUI होता है उसे डाउनलोड करना पड़ता है एंड आप उसे मी फ्लैश टूल से फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि कभी कभार मी फ्लैश टूल प्रॉपरली काम नहीं करता एंड कुछ एरर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका USB ड्राइवर काम नहीं कर रहा या डिवाइस मिसमैच एरर जैसे एरर्स या और भी काफी सारे एरर्स होते हैं, तो ये एरर्स आपको कन्फ्रंट करने पड़ सकते हैं। तो जनरली ये काफी स्मूथ प्रोसीड्योर होता है, लेकिन कभी कभार इन एरर्स के लिए काफी ज्यादा हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है यूजर्स को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि कैसे हम लोग MIUI को फ्लैश कर सकते हैं, फास्ट बूट रोम को फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मी फ्लैश टूल को भी हम लोग बाईपास करेंगे। तो इन शॉर्ट हम लोग मी फ्लैश टूल को यूज नहीं करेंगे, विदाउट यूजिंग दैट हम लोग आज MIUI फास्ट बूट रोम को फ्लैश करेंगे। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीजें आपको जरूरी होंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक PC रहना तो काफ़ी ज़रूरी है, आपका जो फ़ोन है वो आपके पास रहना काफ़ी ज़रूरी है एंड आपके पास एक Type-C का USB कार्ड जो कि आपके फ़ोन के बॉक्स में ही आपको मिलता है वो भी रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, MIUI का जो फास्ट बूट रोम है उसे डाउनलोड करना है वेबसाइट से। वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है क्योंकि वो एक zip फॉर्मेट में रहता है। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ पे बेसिकली आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा जो एक्सट्रैक्ट होके आपको देखने को मिलता है। अब आपको क्या करना है नेक्स्टली, प्लेटफॉर्म टूल्स को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है एंड वो zip फॉर्मेट में रहेगा तो उसे भी आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये सारे जो फाइल्स हैं एकदम भी आप चिंता मत कीजिए, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ऑल्सो मैं MIUI डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एक और बात, ये जो मैं प्रोसीड्योर बता रहा हूँ ये एक्चुअली यूनिवर्सल प्रोसीड्योर है। तो बेसिकली आपका ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास K20 Pro ही रहना चाहिए, अगर कोई भी Xiaomi, Redmi या Mi का फ़ोन आपके पास है तो आप ये प्रोसीड्योर यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, अब आपका जो फास्ट बूट रोम है MIUI का उस फोल्डर में आपको जाना है, उस फोल्डर में जाके जितने भी आपके उसके अंदर के फाइल्स हैं, एक इमेजेस का और एक फोल्डर भी आपको देखने को मिलेगा, ये सभी जो फाइल्स हैं इन सभी को आपको Ctrl+A दबा के सेलेक्ट करना है एंड कॉपी कर लेना है। आपने जो प्लेटफॉर्म टूल्स का zip डाउनलोड किया है उसे भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है एंड वो जो फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा प्लेटफॉर्म टूल्स उसमें जाके आपको इन सभी को पेस्ट कर देना है। तो ये सारे जो फाइल्स हैं वो आपको प्लेटफॉर्म टूल्स में जाके पेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी किया है। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, आपका जो फ़ोन है जो कि फास्ट बूट में अटक चुका है उसे आपको अपने PC के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको Type-C का जो केबल है उससे आपको PC के साथ ये कनेक्ट करना है एंड मेक श्योर करना है कि आपका PC जो है इस डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो अब क्या करना है, फास्ट बूट मोड का ये जो आपका फोल्डर है इस फोल्डर में आपको इसके अंदर आ जाना है एंड ऊपर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो फाइल का डेस्टिनेशन हमें लिखा देखने को मिल जाता है विंडोज़ में, इसमें बेसिकली आपको इसे इरेज करके CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट ये लिखना है। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे एंटर कर देंगे एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये ऑन हो चुका है। अब कुछ कमांड्स आपको टाइप करने हैं, काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। फर्स्ट में आपको लिखना है फास्ट बूट डिवाइसेस, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में फास्ट बूट डिवाइसेस का ये जो कमांड है ये आपको लिखना है। ये आपने लिख लिया तो आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे एक डिवाइस कोड लिखा हुआ है, तो ये डिवाइस कोड शो होना काफी जरूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि आपका फोन जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अगर आपको ये अभी नहीं दिख रहा तो इसका मतलब आपका जो डिवाइस है वो प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ADV ड्राइवर है मतलब Qualcomm के जो ड्राइवर्स हैं वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आपको उसे फिर से कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आपका शो हो चुका कि यहाँ पे डिवाइस का ये जो कोड आपको शो हो रहा है इसका मतलब प्रॉपर्ली ये कनेक्टेड है। अब आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट का ये जो विंडो है इसको आपको यहाँ से मिनिमाइज कर देना है। अब मिनिमाइज करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से प्लेटफॉर्म टूल्स के फोल्डर में आ जाना है, जैसे कि आप अभी है प्लेटफॉर्म टूल्स के फोल्डर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि flash.bat या फिर flash_lock
या फिर फ्लैश अंडरस्कोर लॉक स्टोरेज फ्लैश डॉट बैट का ये जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन में आप जाके डबल क्लिक कर दीजिए। अभी आप देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट ऑन हो चुका है एंड यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसीड्योर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये लाइक आपका 3-4 मिनट कंसीडर आप कीजिए, ये 3-4 मिनट लेगा, तो तब तक आपको वेट करना है एंड मेक श्योर कि आपका ये विंडो आपको कभी भी ऑफ नहीं करना, क्योंकि इससे जो है वो फोन आपका ब्रेक हो सकते हैं एंड ये जो पूरा प्रोसीड्योर है वो बीच में अब्रप्टली स्टॉप हो सकता है। तो इस प्रोसीड्योर को पूरी तरह से आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये कंटिन्यू होकर कंप्लीट नहीं हो जाता। सो गाइस, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये प्रोसीड्योर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है एंड हम देख सकते हैं हमारा जो फोन है ये फिर से रिबूट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे Redmi का लोगो फर्स्ट शो होगा, देन आपको यहाँ पे MIUI का लोगो भी शो होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने विदाउट यूजिंग मी फ्लैश टूल मैंने यहाँ पे फास्ट बूट के MIUI रोम को फ्लैश कर दिया है। तो ये था पूरा प्रोसीड्योर, होपफुली आप सभी को ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोम जो है पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिक जो फॉर्मेलिटीज हैं उन सभी को आपको कंप्लीट कर लेना है ताकि आप अपने रोम को एकदम आराम से यूज कर पाए। तो ये फर्स्टली जो फॉर्मेलिटीज होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI जो है एकदम प्रॉपरली मेरा ऑन हो चुका है एंड यहाँ पे मैं एकदम सक्सेसफुली रोम को जो है यूज कर पा रहा हूँ। तो ये प्रोसीड्योर एकदम से ही सिंपल है एंड आप भी एकदम आराम से यूज कर सकते हैं अपने डिवाइस के लिए। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।